नमस्कार, समाचार इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। देश की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार यह कहते हुए नहीं थकती कि प्रदेश में दलितों के ऊपर हो रहे अन्याय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट में संशोधन करके अपनी मंशा राज्य व केंद्र सरकार के अधीन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बता दिया है कि अब दलितों पर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उससे उलट मामला प्रदेश के जनपद बहराइच के कोतवाली नानपारा में देखने को मिला, जहां एक दलित के प्रार्थना पत्र देखने पर भी न्याय नहीं दिया गया। आपको बता दें, मामला जनपद बहराइच के कोतवाली नानपारा अंतर्गत ग्राम सभा चंदेला कला के मजरा चंदेला खुर्द का है, जहां पर कुछ दबंगों ने एक दलित की जमीन पर कब्जा भी कर लिया और उसके FIR भी पुलिस ने उचित धाराओं में नहीं लिखी। पीड़िता की माने तो उसने थाने पर पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया, पर उसकी सुनवाई नहीं हुई, उल्टे पीड़िता को ही भगा दिया गया। मजे की बात तो यह रही कि सारा माजरा पुलिस के सामने ही होता रहा, पर पुलिस वाले केवल वीडियो बनाने में ही व्यस्त दिखाई दिए, जबकि मारपीट में दलित पक्ष के लोगों के हाथ पैर में गंभीर चोटें भी आई हैं। बावजूद इसके नानपारा पुलिस सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है। पीड़िता ने बहराइच SP से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? छोटका चंदेले। क्या है मामला? मामला यह है कि बचनो लोद और चन्ना दोरिका और दिलीप चेते मूल्य सभी कोई हमका मार भगाए दिन, बाका से काट खान दिन है और डहरी धुनकी रहा का सब फोर फाट दिन ऊपर रिश्ते लाग रहा है। इसके ना मानिन ननपारा गयन बहरेच गयन कहूँ सुनवाई नहीं है, कोतवाल फिर का गयन कहूँ के ना सुनवाई है। अब बताओ कहाँ हम गरीब हन, 50 साल घर बने होत है, कहाँ हम चले जाए बताओ। ऐसा हमारे संगे सब प्रधान और धान सब जुट के हमारे संगे इतने के काम किन है। मौके पर कोई आया नहीं आया? कोई ना आया मौके पर, पूरा गांव आवा, पूरा गांव कोई ना हमका साथ दिहिस। हाँ, कि पूरा गांव हमका साथ दिहिस हो। प्रशासन की तरफ से कोई आया? कोई ना आवा, सब हमका मार भगा दिन, डेहरी धुनकी वो रहा सब फोर फाट डालिन, बासन भड़वा रहा वो सब फोर फाट डालिन, हरा पसमान वो सब खोल भगा दिन। हाँ, और हमारे नीचे जात है धोबी जात वो लोध हैं, और सुनवाई कहूँ नहीं है। अप आप लोग स्टे लगाइन, स्टे का ना मानिन, तो इके अब का करी बताओ। क्या नाम है आपका? नमस्कार। कहाँ रहते हो? चंदेल। क्या है आखिर मामला आपका? मामला ऐसा है, हाँ, सब घर कुरिया भर रहा है दिन और सब कब्जा कर लेन, जो कई स्टे भी चलते रहे वहू नए माने साहब, वहू नए माने तो सब उजाड़ डायरिन घर कुरिया। कितने उजाड़ दिया? बचनो। ये कौन है? ओ, थान है गैन हो साहब, ऐसा वही है ना, हुआ इसके कि हाँ सुना का ना कहूँ सुना का, का करी कौन उपाय करी साहब, सब कहूँ गैन कहूँ सुनवाए नए हो थे। अच्छा, यार वहाँ है जहन घरे। SDM साहब के यहाँ मिले आप? हाँ, कहूँ सुनवाए नए भाई साहब, कहाँ रहे हम, अरे हम छपरे में यहाँ तो हरी धुनकी सब भर रहा है दिन। बहराइच से अनुराग शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसके इशारे पर एक दलित परिवार को घर से बेघर किया गया है और उसके साथ मारपीट भी की गई है। आखिर नानपारा कोतवाली पुलिस किसके कहने पर दलित के दिए गए प्रार्थना पत्र पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं कर रही है? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरुखाबाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर नशे की हालत में वीडियो वायरल होना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन खाकी को शर्मसार करने वाली तस्वीर फरुखाबाद जनपद के कोतवाली सदर क्षेत्र के आवास विकास का है, जहां पर एक रिक्रूट पुलिस के आरक्षी ने पहले तो सरकारी ठेके पर जमकर शराब पी और शराब पीकर अपनी मोटरसाइकिल भी भूलकर डगमगाते हुए कदमों में सड़क पर चला दिया। पुलिस की सिपाही की यह करतूत देख रोड पर जाम लग गया और लोग इसे बात करने लगे। बातचीत के दौरान सिपाही ने कई लोगों से अभद्रता भी की। इसी बीच लोगों ने नशेड़ी सिपाही का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देख
फरुखाबाद से आलोक दुबे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम जनपद सहारनपुर के अनाज मंडी स्थल पर प्रस्तावित है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर की गंगोहा विधानसभा के विधायक प्रदीप चौधरी ने सांसद बन जाने के बाद गंगोहा सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। उसी की तैयारियों को लेकर गंगोहा में एक जनसभा नवीन अनाज मंडी स्थल पर शुक्रवार को प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री दौरे को लेकर शासन और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के चलते कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, किराना सांसद प्रदीप चौधरी एवं वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों ने सहारनपुर जिलाधिकारी व SSP के साथ सभागार व हेलीपैड की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगोहा को कोई नई सौगात दे सकते हैं। अपने प्रिय नेता व प्रदेश के मुखिया के स्वागत के लिए भाजपा के तमाम नेता और प्रशासन अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। जनपद सहारनपुर की गंगो विधानसभा पर उपचुनाव होना है, इसी को लेकर 6 तारीख को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगो में पहुंचने वाले। 6 तारीख में मुख्यमंत्री जी का दौरा है, उसको किस रूप में देखा जाए? दौरा जो है वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन और उससे मिलने वाले लाभार्थियों से मिलना, उनको एक से बातचीत करना और उनके द्वारा प्रमाण पत्र दे करके योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन कैसे जमीन पर उतारा जाए, जब वो आते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी के संगठन का भी काफ़ी रूप से होती है और संगठन के लोगों से भी बातचीत करती है। उससे को लेकर के पूरे धार्मिक जनपद में और विशेष रूप से गंगोह में बहुत उत्साह है और सारे हमारे कार्यकर्ता समाचार इंडिया के लिए इसराइल चौधरी की रिपोर्ट। पीलीभीत में न्यायालय परिसर में आई रेप पीड़िता पर आरोपी ने जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें, आरोपियों के जानलेवा हमले से पीड़िता बाल बाल बच गई, लेकिन रेप पीड़िता के अधिवक्ता भाई पर आरोपियों ने जमकर हमला कर दिया। हमले के दौरान अधिवक्ता व तमंचे की बट लगने से अधिवक्ता का सर फट गया। सर पर गंभीर चोट लगने से अधिवक्ता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी मौके से फरार है। पीलीभीत से गुरमेश सिंह की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री का जिला सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पढ़ने वाला प्राथमिक विद्यालय बासा दरगाह में ताश खेलते स्कूली बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जहां स्कूल में इन छात्रों को हाथों में किताब कॉपियां होनी चाहिए थी, वहीं इनके हाथों में ताश के पत्ते देखे जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि यह जिला प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का है, जहां मंत्री के जिले में प्राथमिक विद्यालय के ये हाल हैं, तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी के अन्य जिलों में बेसिक शिक्षा का क्या हाल होगा। फिलहाल इस मामले में BSA ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। विद्यालय के समय में चूंकि कहीं न कहीं प्रधानाध्यापक की घोर लापरवाही के कारण ही ऐसा हुआ, क्योंकि प्रधानाध्यापक वहां पर नहीं थे, जैसा कि समाचार पत्र के माध्यम से मालूम हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी को भेज करके मैंने जांच भी करा ली है और वहां UPS भाषा के प्रधानाध्यापक अहमद सही का वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित कर दिया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव की रिपोर्ट। सिंगरौली में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए मई 2019 में ऑनलाइन नामांकन किए गए हैं। तमाम शिक्षकों में राज्य शिक्षक सम्मान के लिए सिंगरौली जिले से चयनित इकलौते शिक्षक अनिल पांडे के दस्तावेजों पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। नाम क्या है मैडम? हाँ, मैं श्रीमती साधना सुपेकर। आपके विद्यालय का क्या नाम है? शासकीय हाई स्कूल शाहपुर। आप यहाँ पर किस पद पे हैं विद्यालय में? मैं यहाँ प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य कर रही हूँ। जी, पता चल रहा है मैडम, यहाँ पे आपके विद्यालय में शिक्षक पद पे पदस्थ हैं श्री अनिल पांडे जी, ने राज्यपाल शिक्षक सम्मान के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है, कुछ जानकारी है इसके बारे में? हाँ, वो यहाँ पर शिक्षक के पद पे नहीं है, वो यहाँ प्रधानाध्यापक के पद पर हैं जी, किंतु वो यहाँ नहीं रहते हैं। उनकी ड्यूटी अक्सर DO कार्यालय, CO कार्यालय में कार्यालयीन कार्य हेतु अक्सर वो बाहर रहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ की प्रभारी हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया में कल से लगातार वायरल हो रहा है कि विगत 4 वर्षों में श्री अनिल पांडे जी द्वारा 200 दिन भी पूरे विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं, फिर भी उसके बाद उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है शिक्षक सम्मान के लिए, जिसे लेकर के कई लोगों में आक्रोश भी है। कई अध्यापकों ने भी आवेदन किया था लेकिन उन्हें नहीं चुना गया, तो ऐसा क्या कुछ खास है उनके अंदर कि उन्हें
पुरस्कार के लिए चुना गया है। अनिल पांडे जी, इस विद्यालय में यह उनका 5वां सत्र है जी। मैं लगभग 2 वर्ष से यहाँ हूँ। मैंने कभी भी, मेरे कार्यकाल में यहाँ उन्होंने कभी भी शैक्षणिक कार्य नहीं किया है। उनकी ड्यूटी वरिष्ठ कार्यालयों में लगाई जाती है सदैव, और किसी भी प्रकार का कक्षाओं में उन्होंने अध्यापन कार्य नहीं किया है। आप यहाँ पर कितने वर्षों से पदस्थ हैं? मैं यहाँ लगभग 2 वर्ष मुझे पूर्ण हो रहे हैं। इसके पूर्व में कौन था? इसके पूर्व में श्री शरद कुमार पांडे जी प्रभारी रहे हैं जी। समाचार इंडिया के लिए उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।